दोस्तों, काफी ज्यादा क्या कहते मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद हम लोग छत पर आ गए हैं दोस्तों। हमको आगे चलने दो, ब्लॉगर है। दोस्तों इतना बड़ा ये हॉस्टल है कि हम लोग गुम हो जा रहे हैं हॉस्टलवे में, तो लाइव लोकेशन डालकर हम लोग इस कॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। गुरु स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, लहरिया लूट रहे होंगे। खैर, हम लोग आ चुके हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गोपालगंज में, उसमें का स्टूडेंट है, ठीक है। और हमारे पीछे देख सकते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं। इधर भी देखिए, ये सब हॉस्टल है और ये बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पीछे आप देख सकते हैं। इधर भी देखिए, इधर देख लीजिए। चलिए एक एक करके आप सब टूर दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लगभग एक दो मंथ में ये रेडी भी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। लोग है, देखिए हमारे साथ कुछ युवाएँ हैं, स्टूडेंट ही हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं कितना काम हुआ है, क्योंकि ये लोग भी फ्यूचर का इंजीनियर है। देखें यहाँ पर मार्बल लग रहा है दोस्तों, मार्बल का काम यहाँ पर चल रहा है। और ये सब है, हल्ला मत करो, सामना ब्लॉगिंग हो रहा है, ये सब डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेसिंग वोसिंग रखा गया है, जो इसको भी लगाया जाएगा। एक एक का आपको टूर करा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो पुट्टी का काम है, पेंटिंग का, वो भी हो चुका है। यहाँ पर कोई मशीन वशीन है या ये कीमती सामान है, इसको पैक रखा गया था, इसको हम नहीं देखेंगे। चलिए छत पर चला जाए, थोड़ा सीढ़ी का टूर देंगे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है, ये सिविल इंजीनियर है, पटना के रहने वाले हैं। चलिए बाकी थोड़े रुक कर आपको दिखा। देखिए ये सीढ़ी है, और हम लोग सीढ़ी पर देखिए, यहाँ पर जो मार्बल है लग चुका है। नहीं नहीं, चलिए आगे का टूर करा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले एंट्री करिएगा, तो यहाँ पर आपको दो लिफ्ट वाला जगह मिलेगा। ये लिफ्ट है, अंदर देखने में डर लगता है, लेकिन इसमें हम लोग अंदर नहीं चलेंगे। चलिए बाकी छत पर टेरिस पर चल रहे हैं। चलिए अब टेरिस पर चल रहे हैं, हमको आगे चलने दो, ब्लॉगर है। रूम भी देखना है, चलो। हाँ, रूम टूर करा दे रहे हैं। चलिए लिफ्ट दिखा दिए, ऊपर वाला रूम अच्छा है। तो दोस्तों देख सकते हैं, यह एक रूम है, और सबसे पहले एंट्री करिएगा तो यहाँ पर सॉकेट मिला है, यहाँ पर मोबाइल चार्ज आप कर सकते हैं, यहाँ पर पंखा वंखा का भी व्यवस्था टाइट है, यहाँ पर भी बोर्ड लगाया गया। तो हमको लग रहा है एक रूम में 3 से 4 आदमी का रखा जाएगा, और इसका प्राइस अभी क्या रखा, 2 आदमी का रखा जाएगा। तो मेरे दोस्त हैं, मित्रगढ़ है, ये बोल रहे हैं 2 आदमी के। अब चलिए छत पर चलते हैं, आवाज़ गूंज रहा होगा। दोस्तों इतना बड़ा ये हॉस्टल है कि हम लोग गुम हो जा रहे हैं हॉस्टलवे में, तो लाइव लोकेशन डालकर हम लोग इस कॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। दोस्तों थक गए हैं, यह सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए हैं। दोस्तों देखिए, इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनका मोबाइल नंबर दे देंगे। दोस्तों काफी ज्यादा क्या कहते मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद हम लोग छत पर आ गए हैं दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों, यह हम लोग का कॉलेज का हॉस्टल का छत है, यानी टेरिस है। और देखिए नीचे पूरा मार्बल वार्बल का व्यवस्था पूरा टाइट है। अच्छा, उधर आपको बता दे, उधर गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। और आपको इधर और टूर करा दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर हम लोग का क्लास चलता है, क्लास इधर चलता है। और एक बार यहाँ से व्यू देख लीजिए दोस्त, यह छत, यह इधर जाइएगा तो इधर आपको नदी मिल जाएगा। बगल में देख सकते हैं हमारे ये भैया लोग है, काम कर रहे हैं लोग, जो हम ही लोग के लिए काम कर रहे हैं। और बहुत लोग का डाउट होगा कि यह गोपालगंज का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जीपी गोपालगंज, वो कहाँ पर है, तो आपको बता दें, गोपालगंज से आप आइएगा सासा मुसा कुचाई कोट वाले एरिया में, आपको अप्रोक्स आपको बता दें गोपालगंज से 14-15 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं गांव का नज़ारा भी, आपको गांव नहीं दिख रहा होगा, उतना हमारे पास कैमरा वीआईपी नहीं है, ठीक है। इधर भी देख सकते हैं,